बाकी अगर जिस तरफ अगर कुमाऊं का झुकाव हो गया, महेंद्र जी की तरफ अगर झुका हुआ तो महेंद्र जी जीतेंगे, और विजय सिंह जी की तरफ झुका हुआ तो विजय सिंह जी जीतेंगे। विकास किया है तो महेंद्र ने किया है, आज तक इसके पहले कभी किसी ने कोई विकास नहीं किया नवा में। जीते को है दोनों बराबर है, पॉइंट आप कौन जीते? अब ये तो वोटिंग है, वोटिंग मान लो साइलेंट रहती, खुले में रहती नहीं है, जनता का क्या भरोसा। चुनावी नगरी एक और विधानसभा क्षेत्र में है जिसे नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के नावा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहां पर जनता से जानेंगे उनका रुझान और पूछेंगे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। तो आइए चलते हैं। अभी हम मौजूद हैं नावा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके रंग में भंग अभी अभी हमने डाला है। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राजू राम। राजू राम जी क्या करते हैं? ये होटल अपने चाय की, चाय का होटल है। क्या चुनावी माहौल क्या है नावा में? चुनावी माहौल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। किसको वोट करेंगे? वोट तो अपना मत है, मत तो किसी को बताया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। क्या लग रहा है किसकी तरफ रुझान है इस बार? रुझान दोनों पार्टियां बराबर चल रही है, बराबर चल रही है, बराबर चल रही है। जिसके पक्ष में जैसे यहाँ पे क्या है कि जाट और कुमाऊँ उनका वर्चस्व ज़्यादा है, और जिस तरफ अब कुमाऊँ पर झुकाव है, अगर कुमाऊँ जिस तरफ ज़्यादा हो जाएंगे वो जीत जाए। कितने वोट है कुमाऊँ? कम से कम 47-48 हज़ार वोट है। क्या लगता है किसकी तरफ रुझान रहेगा? रुझान अभी क्या, कुमाऊँ समाज के वोट है वो साइलेंट वोट है। अच्छा, अभी उनका भी कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि हरीश जी के शांत होने के बाद में यहाँ पर कुमाऊँ समाज, हरीश जी के टाइम तक तो बिल्कुल एकजुट था, लेकिन उनके जाने के बाद में जैसे भी महेंद्र जी ने भी कुमाऊँ का बहुत कुछ काम किया, और उनकी काम की वजह से पता नहीं वोटर साइलेंट है या कुछ बोलना नहीं चाहते। बाकी अगर जिस तरफ अगर कुमाऊँ का झुका हो गया, महेंद्र जी की तरफ अगर झुका हुआ तो महेंद्र जी जीतेंगे, और विजय सिंह जी की तरफ झुका हुआ तो विजय सिंह जी जीतेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम सुखदेव है। क्या करते हैं सुखदेव जी? यहाँ प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ नावा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार नावा में? माहौल ठीक है, बराबर ठीक लग रहा है, लेकिन विकास के तौर पर अगर आम जनता वोट दे तो महेंद्र जी निकल रहे हैं। विकास के तौर पर महेंद्र जी हैं? महेंद्र जी विकास की तरफ से वोट मिले तो महेंद्र जी हकीकत में 30-40 हज़ार वोटों से निकले। अगर विकास न देख और फिर जनता वोट दे तो फिर आपस में टक्कर सीख रहेगी कोई ऐसा हो। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जनता विकास नहीं देखेगी और बिना विकास के देखे वोट करेगी? अब ये तो वोटिंग है, वोटिंग मान लो साइलेंट रहती, खुले में रहती नहीं है, जनता का क्या भरोसा। लगता है आपको ऐसा होगा? किसका? 99% तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लग रहा है। बाकी 99% तो महेंद्र जी की जीत मान के चलता हूँ मैं तो। 99% महेंद्र जी जीते। आपका क्या नाम है भाई साहब? रूप सिंह मीणा। क्या करते हैं रूप सिंह जी? मैं कंपनी में काम करता हूँ। क्या लग रहा है नावा में इस बार? नावा महेंद्र जी का ही लग रहा है, अभी महेंद्र जी का लग रहा है। क्या विकास किया है महेंद्र जी ने अब तक? सब किया है, पुलिया बना दिया, रोड बना दी, बिस्लगवार पानी आ गया, इंदिरा गांधी नहर आ गई, और अच्छे अच्छे काम किए, इतने काम किए जो कोई कर ही नहीं सकता आज तक। विकास किया है तो महेंद्र ने किया है, आज तक इसके पहले कभी किसी ने कोई विकास नहीं किया नवा में। माना जाए कि आप लोग महेंद्र जी से खुश हैं, उनके काम से खुश हैं, तो उन्हीं को ही अगला विधायक चुनना चाहेंगे? महेंद्र जी का ही जीतना चाहिए अगर विकास देखो तो। अब इनमें क्या है, जाट बात दी, जाट हैं दोनों, जाट हैं, महेंद्र जी हैं, विजय जी हैं, दोनों जाट हैं। तो ये जाट जातीय समीकरण की बात करें तो जाट वोटर्स कितने होंगे यहाँ? जाटों के और कुमाऊँ के ऊपर ही है डिफेक्ट। क्या नाम है भाई साहब? दिलीप कुमार। क्या करते हो? सुपरवाइजर हूँ कंपनी में। सुपरवाइजर हो डिपार्टमेंट की। क्या लग रहा है इस बार नावा में, क्या चुनावी समीकरण क्या है? प्रॉपर माहौल है, बराबर है। एक तरफ रुझान किसी का है? किसी का नहीं है एक तरफ अभी। आप किसको वोट करोगे? वोट तो मेरा मर्जी है, उसको करूँगा ओपन थोड़ी करूँगा मैं वोट मेरा। अच्छा, विकास के तौर पे बात करें तो किसने ज्यादा काम? विकास तो वो आते हैं तो वो करवाते हैं, रिया है तो अभी ये करवा रहा है, बराबर है। विकास भी ठीक हुआ, दोनों भी बराबर ही है, दोनों बराबर है हमारे पे। ये तो बराबर की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? छोटू राम। क्या करते हो छोटू राम जी? ट्रैक्टर चलाओ। हाँ जी, ट्रैक्टर चलाते हो। क्या माहौल है इस बार नावा में? बराबर दोनों पार्टियाँ बराबर। किसको वोट करोगे? वोट मांगा जैसे दिखा दे। अच्छा, आपको ओपन थोड़ी भी भाई बात है, वोट आए जीत बहुत कर्म काम करी जिसको जीती। आपको कुछ किसी की तरफ है कि हाँ भाई ये जीतना चाहिए? जीते जिसको हम आंखो है, दोनों बराबर है, पॉइंट आप कौन जीते है? एक होता है कि हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि यार हमारी तरफ से ये जीतना चाहिए, तो किसी की तरफ रुझान नहीं है आप? ना ये हो ही कुछ नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। कोई जीत जाट है जिसको मांगो है, जीती जिसको मांगो है, दोनों ही आपके? हाँ दोनों हमारा है। दोनों तो कैसे जीता सकते? दोनों जीते जिसको मांगो है।
दोनों हाथों में लड्डू। वो जीती तो मांगो यार, वो जीती तो मांगो है। कोई निर्दलीय आ गया तो कोई हालत में कोई नहीं। हाँ कोई हालत में कोई नहीं, निर्दलीय बराबर की टक्कर है। आप कोई भी जीतो आपके लिए सब बढ़िया है। दोनों हाथों में लड्डू है मांगा। तो आपने देखा ये था नावा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड। तो अब चलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में, जानते हैं जनता से उनका रुझान। तब तक के लिए बने रहें चुनावी नगरी के साथ। नमस्कार।